वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्ट यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्ट यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 बेटों का सुख मिला, कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। समय बीतने के साथ श्री राम का शौर्य और वीरता चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। तो आइए हम SBS के छात्र श्री राम की कथा को प्रस्तुत करेंगे।
अंत में मारा जब मृग को, जाना कि सब छल था वो। सुन के सीता हुई परेशान, छल से थी वो अनजान, ना था निश्चित संकट में, मन को आया नहीं आराम। सीता माँ की रक्षा के लिए खींची रेखा लक्ष्मण ने, बोले उनसे छोड़ के द्वार, जाना मत रेखा के पार। घर पे नहीं थे जब लक्ष्मण, साधु बनके आया रावण। रावण ने भिक्षा मांगी, सीता ने रेखा लांगी। फिर भिक्षा लेकर रावण सीता को ले गया करके हरण। राम ने अंत में युद्ध जीता, मिल गई उन्हें अपनी सीता। लौट के आए वह अपने नगर, फिर किया राज अयोध्या पर। राम की हुई फिर जय जयकार, सज गया फिर उनका दरबार। राम की हुई फिर जय जयकार, सज गया फिर उनका दरबार। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय रघुनंदन जय सिया राम, घट घट वासी जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, घट घट वासी जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीता राम, कृपा करो तुम हे श्री राम। जानकी वल्लभ सीता राम, कृपा करो तुम हे श्री राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, घट घट वासी जय सिया राम। ऋषि
बताता है कि कहीं राम को अपने पुत्र भरत से ज्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंत्रा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग बैठी। इसलिए हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मकता हम पर हावी ना हो। दशहरे का त्योहार असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इस दिन भगवान श्री राम ने असत्य और बुराई के प्रतीक रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी। उन्होंने दुनिया को मर्यादा का पाठ पढ़ाया था। उनका शांत वे दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज में फैली भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नफरत जैसी बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के जमाने में रामायण की सीख को जीवन में उतारने की आवश्यकता है।